हेलो फ्रेंड्स, आई एम संध्या फ्रॉम चंद्रा क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर से आजकल जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो रहे हैं या फर्स्ट पेपर जो जीएस का होता है, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके कंप्यूटर के आते ही आते हैं, जिसमें इंटरनेट से भी क्वेश्चन बहुत सारे आपके बनते हैं। उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरनेट क्या है, कब से शुरुआत हुई इसकी, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कैसे यूज किया जाता है, आजकल इसका क्या क्या प्रचलन है, किस टाइप से इसका यूजेस क्या है, ठीक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में, इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो इंटरनेट मतलब होता है, जैसे बेसिक अगर हम इसको इंटरनेट के बारे में जाने तो इसको कहा जाता है एक जाल है। इंटरनेट क्या है? नेटवर्किंग का एक जाल है, ठीक है। नेटवर्किंग इन द सेंस क्या है? जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है किसी लैन से, किसी नोड से, नोड यानी कि किसी सिस्टम से। या जैसे प्रिंटर, प्रिंटर आपका एक एक प्रिंटर है, उससे आपने क्या किया, दो चार सिस्टम को क्या किया, कनेक्ट कर दिया, वो क्या है आपका, इंटरनेट हो गया आपका। मतलब कनेक्टिंग क्या हो गया, एक जाल हो गया, एक दूसरे से वो क्या हुआ, कनेक्ट हो गए एक दूसरे के थ्रू। दो चार सिस्टम क्या हुए, कनेक्ट हो गए। जैसे आपको कोई सा डेटा लेना है, एक सिस्टम से डेटा लेना है दूसरे सिस्टम में, ठीक है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप डेटा शेयरिंग कर सकते हैं आराम से। एक सिस्टम से डेटा को दूसरे सिस्टम में, दूसरे सिस्टम से तीसरे सिस्टम में आप आसानी से डेटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे एक बंदा बैठा हुआ है मुंबई में, एक बंदा कोलकाता में, एक बंदा दिल्ली में बैठा हुआ है, अब वो तीनों आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो हमारा इंटरनेट ने क्या किया, उसको बहुत ही आसान बना दिया, बहुत ही इजी कर दिया। सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है कि आप कहीं भी रहो, दुनिया के किसी कोने में आप बैठे हो, आसानी से एक दूसरे को क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हैं आप। अपनी अपनी भाषा को, अपने मतलब अपने जो भी डेटा है आपके, अपने पर्सनल इश्यूज हैं या जो भी जिस टाइप का भी चीजें हैं, चाहे रिलेटेड टू मीन्स लाइक आपके ऑफिस से रिलेटेड है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपके बिजनेस से, या पर्सनल है, आप अपने घर वालों से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात करना चाह रहे हैं, कहीं भी आप आसानी से इंटरनेट के थ्रू आप कोई भी चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं सिंपल सा कि इंटरनेट क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें क्या है, इंटरनेट इज ए कंपोज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंटरकनेक्शन, लाइक ए सिंपल भाषा हम बोलें, अ नेटवर्क। इंटरनेट है क्या? अ नेटवर्क ऑफ अ नेटवर्क ऑफ सॉरी नेटवर्क इज अ नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेटवर्क क्या है? एक ग्रुप है, ठीक है। नेटवर्क क्या है? एक ग्रुप है बहुत सारे कंप्यूटर्स का। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ एक प्रिंटर लगा दिया, ठीक है। सपोज ये प्रिंटर है हमारा, हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ बहुत सारे हमने क्या किए, सिस्टम लगा दिए, लैपटॉप लगा दिया कहीं पे, कहीं पे क्या करा हमने, पीसी लगा दिया। यहाँ पे जैसे हमारे बहुत सारे क्या हुए, पीसी लग गए, ये इस टाइप से, ठीक है। इनको हम बोलते हैं नोड। आप नोड कहिए, नोड वन नोड टू लिख लीजिए, या फिर इनको सिंपल सा लैपटॉप या सिस्टम को आप समझ लीजिए इस टाइप से। यहाँ हमने क्या किया, एक स्पीकर लगा दिया, साउंड लगा दिया, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी, ठीक। तो यहाँ हमने क्या किया, एक ही डिवाइस से, ये हमारी एक डिवाइस है, इससे हमने क्या किया, सभी को कनेक्ट कर दिया। तो जो एक ही डिवाइस है वो सबको क्या कर रही है, डेटा शेयर कर रही है, ठीक है। एक ही डिवाइस के माध्यम से सभी जितने भी सिस्टम है उनको डेटा शेयर किया जा रहा है। तो
इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको नोड वन करके, नोड वन लिखो आप या फिर एन वन एन टू लिखो, नोड वन नोड टू नोड थ्री नोड फोर नोड फाइव, ठीक है, इस टाइप से। तो कंप्यूटर का भी, नेटवर्क का भी एक हिस्ट्री है कि नेटवर्क कब शुरू किया गया, किसने इसका स्टार्टिंग किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, कौन सी एजेंसी थी जो इन्वॉल्व हुई थी, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, या इसमें जो है कुछ समय के बाद समय समय पे क्या हुई है, डिवाइसेस चेंज की गई हैं नेटवर्किंग में और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जब उनकी कार्य करने की स्पीड कम थी, सबसे पहले इंटरनेट आया तो उसकी कार्य करने की स्पीड कम थी, कुछ दिनों तक उसको चलाया गया, उसके बाद क्या किया गया, उसको उसको रिप्लेस करके दूसरी टेक्नोलॉजी लाई गई, दूसरी टेक्नोलॉजी लाई गई, फिर उसको देखा गया कि हाँ यह किस तरीके से वर्क कर रहा है। और पहले इंटरनेट का यूज़ कौन करता था, हमारी मिलिट्री करती थी, मिलिट्री यानी कि आर्मी, जो सेना करती थी हमारे, मतलब कि बॉर्डर पे जो वो होते थे कि वो देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदर कंट्रीज के लोग कहीं कोई मतलब कोई आतंकी हमला या किसी टाइप से कुछ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है, वहां पर यूज किया जाता था। सिविलियंस के लिए नेट नहीं दिया जाता था, सिविलियंस के लिए नेट अवेलेबल ही नहीं था कि हम नेट का यूज कर पाए, तो हम सबसे पहले यही होता था, साइंस जो मतलब हमारे साइंटिस्ट थे सिर्फ वो यूज करते थे, बड़ी बड़े जो बिजनेस मीन्स लाइक आपके रिसर्चर्स थे वो यूज़ करते थे नेट का। उसके बाद फिर हमारी धीरे धीरे मिलिट्री में आया, मिलिट्री सेवाएं हमारी जो सर जो थी वो यूज़ करने लग गई, ठीक है, जल सेना थल सेना वायु सेना ये यूज़ किया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, नेट को दिया जाने लगा, सिविलियंस भी उसको यूज़ करने लग गए, ठीक है। तो नेट का भी ऐसे धीरे 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 क्या हुआ, एक जनरेशन था, किस जनरेशन में किस ईयर में क्या 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 मीन्स लाइक क्या क्या इम्प्लीमेंट किए गए हैं, इस टाइप से हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, नेटवर्क को सारे कनेक्ट करके, धीरे धीरे कनेक्ट करके इनको क्या किया गया, इंटरनेट का निर्माण किया गया, छोटे छोटे नोड्स को, छोटे छोटे प्लेस को, धीरे धीरे संस्थाओं को, एजेंसियों को, इसमें स्कूल कॉलेजों को भी लिया गया इसके माध्यम से। ठीक, तो सबसे पहले क्या था हमारा, एक जो मतलब जिसके बारे में हम जानेंगे, ऐसा इंटरनेट क्या है हमारा, यहाँ से शुरुआत की गई इंटरनेट की, सबसे पहले क्या था, 1960 में, 1960 में आरपा, आरपा नामक एक एजेंसी थी, ठीक, 1960 में आरपा नामक एक एजेंसी थी जिसने क्या किया, नेट का सबसे पहले यूज किया, नेट का यूज किया, यूँ कह सकते हैं नेट का जो मतलब एक जन्म जो हुआ है यहीं से हुआ है, ठीक है, इसी के थ्रू हुआ है, इस एजेंसी के थ्रू हुआ है, इन्होंने ये क्या करा है, नेट का सबसे पहला यूज करा है। कि नेट का मतलब यूज क्या है, कैसे किसी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई कि अगर बंदा कहीं और किसी अदर यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, यूएसए में बैठा हुआ है, और या कहीं और बैठा हुआ है, इंडिया में बैठा हुआ है, तो कैसे उसको कम्युनिकेट कैसे करें, अपनी फाइलों को शेयर कैसे करें, यहीं से इंटरनेट की शुरुआत हुई है। आरपा नामक एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है। इस पे भी आपका बहुत बार क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज आरपा, व्हाट इज स्टैंड फॉर आरपा, आरपा क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आरपा से ही बनता है कि आरपा है क्या, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, आरपा ने किया, रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है ये, यह एक आरपा क्या है, इट्स ए रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेंसी। ठीक है, रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है और इसने क्या किया, ठीक है, जिसका यूज किया जाता था पहले डिफेंस के लिए, डिफेंस डिफेंस जिसको कहा जाता था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यानी कि डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसका प्रयोग किया जाता था। कब किया गया इसका, 1960 में। 1960 में आरपा नामक एजेंसी ने क्या करा, इंटरनेट का आविष्कार किया। उन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया, उसके बारे में बताया कि इंटरनेट क्या है, किस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है, कैसे कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह, जो कंप्यूटर हैं बैठे हुए, पर सबसे पहले क्या किया गया, चार सिस्टम को उन्होंने कनेक्ट किया। ठीक है, जो चार सिस्टम क्या थे, चार जगहों पे अलग अलग थे, यूएसए में अलग अलग रिसर्च सेंटर पे थे वो, उनको सबको पहले कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद क्या उस पर काम किया गया, जो कब किया गया, 1969 में। आरपा ने क्या किया, सबसे पहले आरपा ने सबसे पहले चार सिस्टम को कनेक्ट किया। सबसे पहले चार सिस्टम को कनेक्ट किया। ठीक है, सबसे पहले आरपा ने क्या किया, चार सिस्टम को कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद उसने देखा कि क्या या जो जो भी सिस्टम हमने कनेक्ट किया है, क्या यह यूजेबल है, क्या ये वर्क कर रहा है, इजिली डेटा को शेयर कर रहा है, क्या हमने जो सोचा है वो कर पा रहे हैं, फाइलों को आसानी से शेयर कर सकते हैं हम। ठीक है, जिसको कहा जाता है, ये कब हुआ आपका, 1972। आरपा ने क्या किया, चार सिस्टम को जब कनेक्ट किया था तो उसका ईयर था आपका 1969। 1969 में कनेक्ट किया, वहां से शुरुआत की गई। देन उसके बाद आपका आरपा नेट आता है। आरपा नेट कब आया आपका, 1972 में। 1972 में आपका आरपा से यह क्या हुआ, आरपा नेट हो गया। आरपा नेट यह किस में कन्वर्ट हो गया, नेटवर्किंग में। ठीक, अभी तक तो क्या था, एक रिसर्च किया गया केवल कि चार सिस्टम को उन्होंने कनेक्ट किया था चेक करने के लिए, देखने के लिए कि हाँ यह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन क्या हुआ 1972 में, जिसका कहा जाता है बर्थ ऑफ इंटरनेट, यहाँ कह सकते हो आप 1972 में क्या हुआ, इंटरनेट का जन्म हुआ, बर्थ ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का जन्म कहा जाता है कि इंटरनेट का बर्थ कब से माना जाता है, 1972 से। ठीक, देन अगला अगला इसमें आपका आता है एक डिवाइस, गेटवे। गेटवे करके आपकी डिवाइस है जो क्या करती थी, टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। गेटवे क्या करता था, आपके डिफरेंट नेटवर्क को क्या करता था, कनेक्ट करता था, गेटवे। ठीक है, गेटवे टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क। ठीक है, गेटवे का काम यही था, वो क्या करता था, डिफरेंट नेटवर्क को क्या करता था, वो कनेक्ट करता था, जोड़ने के काम आता था जो अलग अलग नेटवर्क थे। ठीक, देन अब जिन लोगों ने उसका आविष्कार किया था, इंटरनेट का आविष्कार किया था, उनके जनक के रूप में हम किन को जानते हैं, उनके जनक के रूप में हम जानते हैं, यहाँ पे दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, विन सॉरी सर,
एंड बॉब खान, बॉब खान, ठीक है, वो था। इन लोगों ने क्या किया, आरपा नेट का आविष्कार किया था इन दोनों लोगों ने। बहुत बार हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेट का आविष्कार किसने किया था, तो इनका नाम है विंसेफ एंड बॉब खान। इन दोनों ने क्या किया था, आरपा से आरपा नेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आरपा जो एक एजेंसी थी केवल, जब वो नेटवर्किंग के रूप में आया तो कब आया था, 1972 में। इन दोनों का योगदान रहा है उसमें, तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेट के जनक के रूप में किसको जाना जाता है, या किसने इसको आरपा से आरपानेट के रूप में कन्वर्ट किया था, ठीक। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने एक प्रोटोकॉल यूज किया जिसका नाम है टीसीपी, 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 टीसीपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल यानी कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। जैसे कि कोई भी काम किया जाता है, हर किसी न किसी काम में, हर किसी कंपनी में या कहीं भी क्या होता है, एक रूल्स बनाए जाते हैं। रूल्स यानी कि उनको हम फॉलो करते चलें कि क्या क्या रूल्स हैं किसी काम को करने में। ऐसे ही क्या हुआ, टीसीपी, टीसीपी, टीसीपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है जिसको लाया गया। कब लाया गया, जब आपका इंटरनेट आया, जब हम इंटरनेट यूज करने लगे उस टाइम पे हमारा क्या हुआ, एक प्रोटोकॉल आया टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस पे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, व्हाट इज टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, और टीसीपी, टीसीपी क्या है, इसमें एक क्वेश्चन और आता है आपका, टीसीपी ऑब्लिक ऑब्लिक करके आता है आईपी, इस टाइप से टीसीपी ऑब्लिक आईपी, ठीक है। टीसीपी क्या है आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देन आईपी का फुल फॉर्म है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी क्या है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। कभी कभी आईपी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, या कभी टीसीपी ऑब्लिक आईपी पूछा जा सकता है, या कभी ओनली टीसीपी पूछा जा सकता है। इस तरह के और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो हम जब पढ़ेंगे, नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो उसमें हम सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जिनका यूज किया जाता है नेटवर्किंग के क्षेत्र में, ठीक है। अब फ्रेंड देखेंगे कि अब आरपानेट तो आ गया हमारा, आरपानेट के बाद अब ये सफिशियंट नहीं था, इस पे काम तो होने लग गया, काम होने लग गया, हमने नोड से, गेटवे से क्या किया, कनेक्ट भी कर लिया, सारे काम हमारे होने लग गए। लेकिन क्या था, अभी भी ये सफिशियंट नहीं था, जो हम चाह रहे थे, जितना चाह रहे थे उतनी इसकी स्पीड नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे क्या होते थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। देन अगली कौन सी डिवाइस आई हमारी, जिससे हमने क्या किया, कंप्यूटर को कनेक्ट किया, सी एस नेट, सी एस नेट, ठीक है। आरपा नेट के बाद हमारा आया सी एस नेट। सी एस नेट में क्या क्या किया, इसके फीचर्स और बढ़ गए, ठीक है, इसके फीचर्स और बढ़ा दिए गए। इसमें कनेक्शन, जो नेटवर्किंग की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई, इसकी स्पीड बढ़ गई, ज़्यादा नोड्स इसमें कनेक्ट होने लग गए, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है अनदर माइलस्टोन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, अनदर माइलस्टोन ऑफ हिस्ट्री मीन्स इसमें अनदर एक माइलस्टोन आया जिसमें हिस्ट्री में क्या किया, यह आके जुड़ गया, ठीक है। जो कंप्यूटर का नेटवर्किंग का नेटवर्क का जो हिस्ट्री था उसमें एक माइलस्टोन आया जिसमें जाके सी एस नेट जुड़ गया, जैसे कि आपका आरपानेट, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे अनदर अनदर माइलस्टोन ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, एक और माइलस्टोन आया, एक और मीन्स चेंज आया जिसमें आरपानेट की जगह सी एस नेट, आपके सी एस नेट ने क्या किया, जगह ले लिया, ठीक है।
उसके बाद है आपका सीएस नेट को इंटरनेट की हिस्ट्री में बहुत बड़ा माइलस्टोन कहा जाता है। ठीक है, सीएस नेट को इंटरनेट की हिस्ट्री में बहुत बड़ा माइलस्टोन कहा जाता है, बहुत बड़ा चेंज कहा जाता है कि सीएस नेट ने क्या किया, उसमें कौन क्या क्या चेंजेस किए उसने। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सीएस नेट कब आया है आपका, 1981 में आपका क्या आ गया, सीएस नेट। अगला है आपका एनएसएफ, एन अब सीएस नेट को भी रिप्लेस किया गया, एनएसएफ। एनएसएफ क्या था, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है, एनएसएफ इसके इसको भी रिप्लेस कर दिया गया, इसको रिप्लेस करके एनएसएफ लाया गया। ठीक है, एनएसएफ लाया गया क्योंकि उसकी कार्य करने की क्षमता को और बढ़ाया गया, उसका जो एरिया था उसको बढ़ा दिया गया ताकि और भी ज्यादा लोग उससे कनेक्ट हो सके और नेट की जो स्पीड थी हमारे इंटरनेट को उसको और ब्रॉड किया जा सके। ठीक है, एनएसएफ यह क्या था, अब नॉर्मल लोगों तक इंटरनेट क्या हुआ, पहुंचने लग गया। ठीक है, अभी तक क्या था, नॉर्मल लोगों तक इंटरनेट नहीं पहुंच रहा था, जब तक आपका सीएस नेट था तब तक नॉर्मल लोगों तक इंटरनेट की पहुंच नहीं थी। लेकिन अब जब आपका क्या किया गया, रिप्लेस करके सीएस नेट को आपका रिप्लेस करके एनएसएफ लाया गया, एनएसएफ यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, तब क्या हुआ, नॉर्मल जो जो नॉर्मल पीपल थे उन तक भी क्या हुआ, नेट की आसानी से पहुंच होने लग गई, यह उसमें चेंज आया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1983 में जो आपका इंटरनेट का जो हिस्ट्री है, 1983 में क्या हुआ, आरपानेट को स्प्लिट कर दिया गया। ठीक है, आरपानेट को स्प्लिट कर दिया गया यानी कि तोड़ दिया गया, किस टाइप से, देखिए 1983 आरपानेट स्प्लिट, आरपानेट को स्प्लिट किया गया कहां पे, आरपानेट को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो आपका हो गया मिलिट्री, सॉरी यहाँ देखिए आरपानेट को दो भागों में क्या किया गया, स्प्लिट कर दिया गया। ठीक है, दो भागों में पहला एक हो गया मिलिट्री, MIL नेट, MIL नेट, दूसरा हो गया आपका आर्पानेट। ठीक है, एक तो आपका हो गया MIL नेट, दूसरा हो गया आपका आर्पानेट। जो MIL नेट था वो कहाँ यूज होता था, मिलिट्री में, और दूसरा जो था आपका आर्पानेट यह किसके लिए था, सिविलियंस के लिए। ठीक है, अब यह कब किया गया, ये 1983 में, 1983 में, 1983 में आर्पानेट को स्प्लिट किया दो भागों में, पहला है आपका MIL नेट, दूसरा क्या है आपका आर्पानेट। ठीक है, अब इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मिलिट्री के लिए कौन सा नेट यूज किया जाता था या सिविलियंस के लिए कौन सा नेट यूज किया जाता था, तो आप आसानी से कुछ आंसर कर सकते हैं इसका कि आरपा नेट हमारा सिविलियन के लिए यूज होता था और हमारा आपका मिल नेट किसके लिए, मिलिट्री नेट के लिए यूज होता था, मिलिट्री के लिए यूज होता था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे फिर से क्या हुआ, फिर से इसके इंटरनेट की हिस्ट्री में क्या हुआ, फिर से चेंज आया, फिर से चेंज आया तो क्या हुआ, 1986 में क्या हुआ,
1986 में फिर से इसको रिप्लेस किया गया, ठीक, फिर से रिप्लेस किया गया, उसमें कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी फिर से दूसरी लाई गई, NSF नेट, ठीक है। इसमें क्या है, नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल, साइंस फाउंडेशन, ठीक। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, एनएसएफ नेट क्या है, कब आया, आप इसमें अगर ईयर में पूछा जाता है कि किस ईयर में आया था, 1986 में, और स्टैंड फॉर, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। ये कब हमारा आया, 1986 में। इसमें क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, इसकी जो कार्य करने की कैपेसिटी थी इसमें क्या हुआ, उसको उसको बढ़ा दिया गया, कितना हो गया इसकी स्पीड, 1.544 Mbps, 1.544 Mbps, ठीक है। इसकी कार्य करने की क्षमता क्या हुई जब आपका एनएसएफ फाउंडेशन आया, तो 1.544 Mbps इसकी स्पीड बढ़ गई नेट की, और यूजर्स भी बढ़ गए उसके साथ साथ, जो यूज करने वाले लोग थे वो भी बढ़ गए, क्योंकि उनको अच्छी स्पीड मिलने लग गई, तो ऑब्वियसली वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। 1990 में क्या हुआ, आर्पानेट रिटायर्ड हो गया। अब आया आपका 1990, 1990 का जो दशक आया उसमें क्या हुआ, आर्पानेट आपका रिटायर हो गया, ठीक है, उसकी जगह किसी और ने ले ली। तो देखिए यहाँ पे 1990 में क्या हुआ, आर्पानेट आर्पानेट रिटायर्ड हो गया आपका, ठीक है। अब क्या आ गया आपका, 1990 में तो ये रिटायर हो गया। अब उसके बाद 1991 का दशक आया, 1991 आ गया आपका, इसमें किसने जगह ले ली, ANSNet, ANSNet, ठीक है। अब देखिए आर्पानेट तो खत्म हो गया आपका यहाँ से 1990 से, उसके बाद 1991 में आपका आ गया ANSNet, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस नेटवर्क एंड सर्विस नेट, एडवांस नेटवर्क एंड सर्विस नेट, ठीक है। ये हो गया, जो क्या हुआ आर्पानेट क्या हुआ, यहां से यूज से बाहर हो गया, आर्पानेट को उसके बाद यहाँ से बाहर कर दिया गया, ANS नेट आ गया, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस नेटवर्क एंड सर्विस नेट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्पानेट को कब बाहर किया गया, उसके बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आई थी, कौन सारी जो है एजेंसी आई थी जिन्होंने टेक ओवर कर लिया उस इंटरनेट को, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा ANS नेट, ठीक, ओके। देन जो आज नेट हम यूज कर रहे हैं, आज जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, टुडे इज इंटरनेट, टुडे इज इंटरनेट, आज हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है हमारा, वैन, वैन, ठीक है। वैन क्या है, वैन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, जिससे हम कहीं भी किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं कहीं भी बैठ के, ठीक
ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, यह है आपका आज का नेटवर्क जो हम यूज कर रहे हैं। आज हम क्या यूज कर रहे हैं, लैंड वैन मैन ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, पैन यूज कर रहे हैं। आईएसपी क्या है, हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो ये था हमारा हिस्ट्री जो हमने पढ़ा कंप्यूटर का, मीन्स लाइक इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से हमने इसका यूज किया, ठीक है, कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, किस एजेंसी ने किया, किसके द्वारा किया गया, कब रिप्लेस किया गया, कब इसका यूज होता था मिलिट्री के लिए, कब यूज होता था, कब साइंटिस्ट लोग यूज करते थे, कोई रिसर्च करने वाली यूनिवर्सिटी यूज करती थी, कब ये हमारे पास तक आया, नॉर्मल लोगों तक, जो नॉर्मल सिविलियन थे उनके पास तक कब तक नेट आपका पहुंचा। और आज नेट पूरी दुनिया में छाया हुआ है। आज अगर इसके बिना हम सोचे कि कल्पना भी कर सकते हैं तो नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरनेट के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इंटरनेट के ही थ्रू आदमी घर में भी अकेला बैठा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आराम से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं कहीं भी बैठ के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के। तो ये था हमारा नेटवर्किंग का इतिहास।